हाय, तो इस वीडियो में हम लोग मशरूम सूप बनाना सीखेंगे जो कि एकदम क्रीमी सा रहता है। तो इसके लिए हमने ये बटन मशरूम लिया हुआ है 200 ग्राम। अच्छे से साफ़ करके इसको ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून के बराबर बटर लेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो एक तेज़पत्ता डालेंगे मीडियम साइज़ का। फ्लेम को कम रखेंगे ताकि ना ही बटर जले और ना ही तेज़पत्ता। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और 3-4 लहसुन के क्लोव्स। सारे को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको लो फ्लेम पे। उसके बाद हमने जो मशरूम कट करके रखा था उसको भी डाल के एंड फिर से लो फ्लेम पे ये मशरूम को प्याज के साथ भुनने देंगे। तो लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भुनने पे मशरूम आप नोटिस करोगे कि पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। उसको फिर से हम पानी को सुखाएंगे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा एंड कम फ्लेम पे वापस से हम मैदा और मशरूम को भुनेंगे। लगातार चलाते हुए भुनेंगे ताकि मैदा जो है वो कढ़ाई में ना सटे। एंड उसके बाद हम इसमें से ऐसे 4-5 चम्मच के बराबर मशरूम को अलग कर लेंगे और बाकी के बचे हुए मशरूम में हम 3 मग के बराबर या 1 लीटर से थोड़ा कम के आसपास पानी डाल देंगे। हम इसमें जो मशरूम को हमने साइड करा था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे और इसको इसी सेम कढ़ाई में डाल देंगे ताकि जो सूप है उसमें हर एक बूंद में मशरूम का फ्लेवर चला जाए। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कम फ्लेम पर पकने देंगे सूप को ताकि जो सारे फ्लेवर्स है वो आपस में मिक्स हो जाएं और मज़ेदार सा बन जाए। लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने उसको पकने दिया है। उसके बाद 1 कप हमने दूध का क्रीम डाला है। आप अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप घर के वाला जो मलाई होता है दूध का वो भी डाल के 1 मिनट तक पकने दो। एंड इसमें थोड़ा सा डालो धनिया पत्ता, थोड़ा सा डालो ऊपर से ब्लैक पेपर एंड दैट्स इट। बहुत ईजी, बहुत सिंपल और विंटर्स के लिए परफेक्ट क्रीमी सूप बनकर रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।